42 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। ये भी सही है, ये भी सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये भी सही है। राइट आंसर है जो सही नहीं है, वृद्धि में विकास दो अलग आयाम है, तो यहाँ पे पूछा गया गलत, तो वो गलत है हमारा ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। गाल्टन, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। आप परिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, मतलब किसका अनुगमन करती है। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, प्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति जो होती है वो कैसी होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित नहीं है। विकास के लिए कौन सा उचित नहीं है वो हमें देखना है। इसमें विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। विकास सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो राइट आंसर है सी, विकास एकल आयामी है। बी इज राइट आंसर, ये सही है, विकास एकल आयामी है। यहाँ जो पूछा गया है उचित नहीं है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, तो बी इज राइट आंसर, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कैसा। कम महत्वपूर्ण है भाषा विकास के लिए, अति महत्वपूर्ण है या अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो राइट आंसर है सी, अति संवेदनशील है, सी इज राइट आंसर। मध्य बचपन अवधि है, 2 से 6 वर्ष तक बचपन की अवधि होती है, जो मध्य बचपन की अवधि होती है 6 से 11 वर्ष। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ देखना है हमें कौन सा गलत है। विकास भिन्न व्यक्तियों भिन्न गति से होता है, ये सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी सही है, ये भी सही है। विकास परिवर्तन सीधी रेखा में जाते हैं, ये भी सही है। हमसे पूछा गया एक कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो है विकास भिन्न व्यक्तियों भिन्न गति से होता है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य बालावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, वयस्क अवस्था, जन्म पूर्व का समय। तो राइट आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय अति संवेदनशील होता है भाषा विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, ये गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे पूछा गया गलत, तो गलत है हमारा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नता बहुत तेजी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बाल्यावस्था, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो जो सही क्रम है, अंडाणु होता सबसे पहले, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट, डी इज राइट आंसर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, कहलाती है डाउन सिंड्रोम, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं।
जो मुख्य अधिकारी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कौन सी अवस्था है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कौन सी वाली अवस्था है? शेष अवस्था, बाल अवस्था या किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था? तो राइट आंसर है उत्तर, बाल अवस्था में बच्चों में खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? राइट आंसर है बी, 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, शेष अवस्थाई विशेषता नहीं है, शेष अवस्थाई विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता होती है शेष अवस्था में, मानसिक विकास में तीव्रता होती है बट नैतिकता का होना नहीं होता है, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? डी इज राइट आंसर, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट, शिशु काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य बालावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक होता है, क्या होता है? मध्य बालावस्था में भाषा सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विकास डैश से की ओर बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, डी इज राइट। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक परोत्थान की घटना बढ़ जाना, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया? तो राइट आंसर, संवेगात्मक परोत्थान की घटना बढ़ जाना। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय, ए बी दोनों? राइट आंसर है ए बी दोनों, यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है मानव विकास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव? तो राइट आंसर है सामूहिकता की भावना, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि प्रतिकूल की पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी, बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, डी इज राइट आंसर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन,
वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन यानी कि उपरोक्त सभी।